नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसे बैग के बारे में जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज को ऑर्गेनाइज करके आसानी से रख सकते हैं और आपको उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को ढूंढने में बार बार दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दोनों बैग की तरफ। तो पहले बैग का प्राइस हम आपको बता दें, इस बैग का प्राइस है 500 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और दूसरे बैग का प्राइस बता दें हम आपको, उसकी प्राइस है 400 रुपीज़। बट आपको लगेगा कि ये 400 रुपये में है तो इसे हमें ऑर्डर करना चाहिए और ये 500 वाला नहीं करना चाहिए। बट अभी हम इसके डिटेल्स की बात करेंगे, इनमें फ़ीचर्स क्या हैं, क्या क्या इसमें आपको सुविधाएँ मिलेंगी, उसके बाद आपको यही पसंद आएगा ये 500 रुपीज़ वाला, क्योंकि ये बैग कुछ ऐसा है ही जो सभी को पसंद आ जाएगा। तो पहले हम आपको बता देते हैं इस 400 रुपए वाले बैग के बारे में। तो इसमें आपको चार कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सिल्वर कलर देखने को मिलेगा और फिर लाइट ब्लू कलर देखने को मिलेगा। ये चार कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब हम आपको बता दें यहाँ पर कि इसके अंदर आपको कैसे क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको केबल्स वगैरह देखिए कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। तो इस तरह से आप एक साइड में केबल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। दूसरे साइड की बात करें तो दूसरे साइड में भी आपको केबल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप कुछ पेन ड्राइव्स वगैरह, मेमोरी कार्ड्स वगैरह और भी छोटे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस वाले में इतनी ही सुविधाएँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप हेडफोन्स वगैरह, डेटा केबल्स वगैरह या कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके जो भी आप रखना चाहें वो इसमें आ जाएगा। और अब हम आपको बता दें कि इसमें आपके सामान तो लगभग आ जाएंगे और साथ में आपका ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हद तक ये वाटरप्रूफ भी है। और दूसरी बात, देखने में तो काफ़ी बढ़िया ये लगता ही है और आसानी से आप इसमें कैरी करके ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। बट मेरे हिसाब से इसमें देखा जाए तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये आपको ज़्यादा इसमें डीप स्पेस नहीं मिल रहा है कि आप अगर कुछ और सामान इसमें रखना चाहें तो वो नहीं रख सकते हैं, जैसे कि हेडफोन वगैरह हो गया। ईयरफोन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ईयरफोन तो इसमें लग जाएगा बट हेडफोन वगैरह इसमें नहीं आएंगे। आप चाहें तो जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई आपकी एक्सटर्नल, या फिर बात कर लेते हैं हम माइक वगैरह या छोटे मोटे कैमरा वगैरह, तो वो सब आप इसमें नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर केवल केबल्स वगैरह, पेन ड्राइव्स वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं और आपका जो प्राइस है वो 400 रुपये लगेगा। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी इसमें कमी है। अगर आपका इतने में काम चल जाता है तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, बट अगर मेरी राय माने तो आप इस वाले को लें। अब हम आपको बता देते हैं इसकी डिटेल्स कि मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको लें। इसमें आप सबसे पहले देख लें कि कलर कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं। इसमें आप देख लें, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, चारकोल ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डार्क ब्लू मिलेगा, ग्रे मिलेगा और यहाँ पर लाइट ब्लू भी मिलेगा, साथ ही साथ पर्पल भी मिलेगा और रेड कलर देखने को मिलेगा और स्काई ब्लू भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन कई सारे हैं आपके पास, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी और खूबियों के बारे में। ये भी देखा जाए तो कुछ हद तक वाटरप्रूफ है। क्वालिटी की रिलेटेड बात की जाए तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पेस कितना है। इसके अंदर जो डीप में स्पेस दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडफोन वगैरह रखे हुए हैं, माउस वगैरह, चार्जर वगैरह, मतलब कहने का ये है कि आप चाहें तो बड़ा सामान भी इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर जो पार्टीशन के लिए लगे हुए हैं इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिटेचेबल, मतलब यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं और उसके बाद बड़ा सामान रख सकते हैं, जैसे कि ये हेडफोन वगैरह हो गया, माउस वगैरह हो गया, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। और दूसरी बात कि आप यहाँ पर एक साइड में देखेंगे आपको केबल्स वगैरह, ईयरफोन्स वगैरह, पेन ड्राइव्स वगैरह सब कुछ आसानी से यहाँ पर नायलॉन का जिपर लगा हुआ है, इसकी मदद से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और दूसरे साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, पेन ड्राइव्स वगैरह हो गई और छोटे मोटे कैमरा वगैरह हो गए, चार्जर वगैरह हो गए, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में कितना स्पेस है और लेफ्ट साइड में कितना स्पेस है। तो इस तरह से आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। और डिफरेंस क्या है, केवल आपको 100 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे। वो छोटा वाला जो है वो 400 रुपये में है और ये बड़ा वाला 500 रुपये में है। तो आपको दोनों में देखने को फ़र्क मिल गया होगा कि 100 रुपये में क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा बेहतर है, इसको आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पर आसानी से आ जाएंगे। और उसके बाद हम आपको यहाँ पर साइज़ बता दें इसका, तो इसकी हाइट की बात करें तो करीब यहाँ पर 18.5 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 24.5 सेंटीमीटर है। जैसे कि आपके पास देखा होगा, आपके पास एक बड़ी वाली स्केल होगी जो स्टेशनरी वगैरह में मिलती है, तो 30 सेंटीमीटर की वो स्केल होती है, तो आप उससे 6 सेंटीमीटर कम जो है वो आपके बैग
का साइज होगा और इसमें जो डीप आपको डिटेल्स मिलने वाली हैं जिसमें आप कैरी करेंगे सामान वो आपको करीब करीब 10 सेंटीमीटर का मिलने वाला है। तो 10 सेंटीमीटर में आपके आसानी से सारे सामान आ जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, आपका आसानी से सारा सामान एक ही बैग में आ जाएगा। डबल जिप भी आपको यहाँ मिलेगी इस चैन में और काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का ये देखने में भी लग रहा है, तो आप इसको बेशक ले सकते हैं। अगर आपका ज़रूरत कम है तो आप चाहें तो इस दूसरे वाले को ले सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा डीप जगह नहीं मिल पाती है जिससे कि आप ज़्यादा सामान वगैरह रख सकें, तो मेरी राय यही है कि 100 रुपये भले लग रहा है इसमें, बट ये जो है 500 रुपये कोई बहुत ज़्यादा प्राइस इसके लिए नहीं है और आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है ये, इसमें आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ को रख सकते हैं और वेल मेंटेन तरीके से सारे आपके इक्विपमेंट्स वगैरह रखे रहेंगे, कोई ख़राब नहीं होगा और एक अच्छे से एक ही स्पेस में रखे होंगे। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप एक ही स्पेस से उसको उठा सकते हैं और आपको पता होगा कि एक जगह पर कहाँ रखा है, तो आपको बार बार ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक और किसी नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।